13 कहानी इसराइला आइले परमेश्वरर वायदो जेबी परमेश्वर इसराइली लोग राते समुद्र पार बिले निए तेथवासीय परमेश्वर से जंगला बाटिए सीन नावर पर्वत रे बिले निए एउसे उई पर्वत थो जिए मुसे जल्दी जाड़ी देखी थी तिउ लोग वे तेस पर्वत थालिए अपने तंबू पाए परमेश्वर मूसा और इसराइला लोगुले बोलो तुम सदा मेरी बुशे माननिया और जो वायदो आ तुम्हें बानुलो तेथर अनुसार आंडाले ता तुम्हें मेरो इनाम बड़ी कीमती धन और याजकुर राज और पवित्र जाति ठहराई परमेश्वर रे जोरिए त्यू काए आशनले चिये दिन जाऊं अपनो जीव तैयार कियो तबे परमेश्वर सिने पर्वतारी चोटी माथा कुतले उतरो जेबी से वाशता बुई चलाशो बिजली चमकी धुआं उठो और तुरहरी आवाज जोरे आशते लगी तबे मूसा आपू पर्वत माथी चढ़ी गो तबे परमेश्वर लोग वाइले वायदो बानो तिनिये बोलो आऊं तुम्हारो परमेश्वर हूँ आऊं यू जुनिये तुम्हें मिस्र री गुलामी को छुड़ाया कासी भी दूजे देवारी भक्ति नहीं करियो मूर्ति नहीं चाणियो और त्यू नहीं पूजियो कहले कि आऊं यहोवा तुम्हारो एक ही परमेश्वर हूँ बुरे काम ले मेरो इस्तेमाल नहीं करियो सब तारो दिन पवित्र मानने ले याद छड़नो दूजी बुशुदी छह दिन दी अपने सारे काम करनी सातु दिन तुमले आराम करने और मुँह याद करने रो दीना अपने माँ बाप रो आदर करनो खून नहीं करनो गंदे काम नहीं करने अपने पड़ोसरी छेवड़ी तेसरे गौर या तेसरी किसी भी चीज़ा निनरी आश नहीं करनी तबे परमेश्वरे ये दस हुकुम दुई जानटे दी लिखियो मूसा के दे परमेश्वरे मानले दस हुकुम दे अगर से यूं हुकुम मानले ता परमेश्वरे आशीष देने और बचाने रो वायदो को रासा इनो भी बोलो कि अगर से यूं हुकुम नहीं मानले ता तिउले डांट दे आसा परमेश्वरे इसराइलुले एक बड़ो तांबू चानले बोलो मिला पड़ो तांबू परमेश्वरे त्यू के ठीक बोलो कि एव तंबू खीणो चानो आ और पृथ्वी ते का चीज छाननी आ तिनिये से तंबू दुई कमरे दी बांटने ले बोलो और एक बड़ो पर्दो चानने ले भी बोलो परमेश्वर तेस पर्दे भीतरी भी ले वाले कमरे दी आशासा और तियेरो आसा जिये परमेश्वर थो तेस कमरे दी देवनारी जाजत सिर्फ बड़े याज कले थी त्यू लोग तेस मिलाप वाले तंबू रे सामने एक बेदी चानी जा सा कोई भी जो परमेश्वर कानून नहीं मान लो से ऊ ती बेदी मथे एक दौड़ आना लो तबे याजक तेस बोली करा और बेदी माथी परमेश्वर ले बोली रे रूप दी जाला परमेश्वर बोलो कि तेस दौड़ रो लो तेस आदमी रे पाप दू मलो इनी रीति को अब परमेश्वर तेस पाप नहीं देख दो से वो आदमी परमेश्वर री नौदरी दी शुद्ध ठहरा परमेश्वर मूसरे भाई हारून और हारूनारो वंश अपने याजक हुनले छांटो परमेश्वर तीन लोगों के जो हुक्म दे थे त्यू मानने ले तैयार हुए से सिर्फ परमेश्वर लोग हुनले और सिर्फ तीसरी आराधना करने ले तैयार हुए कई दिन जाऊं मूसा सीन पर्वत माथी रो से ऊ परमेश्वर आइले बुशे लाइन दे थाको लगी पर लोग तेस पोखदे पोखदे खड़ी गोए एथीले तिउए हारूना काए सुनो आनो और तेस कु एक मूर्त चानले बोलो ताकि से परमेश्वर छाड़ियो या मूर्ति री आराधना करा इनी रीति कु तिउए परमेश्वर रे खिलाफ पाप कियो हारूने बष्टुरे रूप दी सुनेरी एक मूर्त चानी तीन लोग तीय मूर्ति री आराधना करनी शुरू की और तिया के बलि चढ़ाई तिउरे पापरी वजह को परमेश्वर तिउ को बड़ी रोश हुओ से तिऊ नाश करनो चाहो पर मुसे तिउ नहीं जांगने री अरज की परमेश्वर तेसरी अरज सुनी और से नाश नहीं किए तबे मूसा सीने पर्वत को तले उतरो से तिउ दुई जंटियाणियों आशो जेथमाथी परमेश्वर दस आज्ञा लिखी थी तबे तिनिये से मूर्ति देखी तेसरे एति रोष आशे तिनिये से जानटे बानियो चूर चूर किए तबे मुसे से मूर्ति पिशियो नंदी करी गई
और पानी दी मिलायो सब पानी लोगों ले पिलाओ। परमेश्वर तीन लोग मथी एक मुश्किल भेजियो तेथा दी बोरी लोग मरी गए। जो जानते मुसे बानी गए थे त्यूरी जगह दी निनले मुसे त्यूं दस आज्ञाउरी पथरारी नई जानती चाणी। तबे से उतोये पर्वता मथी डेई गो और प्रार्थना की परमेश्वर तीन लोगों माफ करा। परमेश्वर मुसारी प्रार्थना सुनी और से माफ करी गए। नई जानती माथे दस आज्ञाओ आनियो मूसा पर्वता को तले उतर। तबे परमेश्वर सीन पर्वता को नीयो वायदारे देशा जाऊं इसराइलुरी अगुवाई की।